शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे बाप रे, इतने सारे नोट, सब तुझे दे दूंगा। तू विशाल कपूर का पता बता दे बस। तू मेरी जान ले सकता है, लेकिन मैं तुझे विशाल कपूर का पता कभी नहीं बताऊंगा। विशाल, काट डाला हरामजादे को। विकी मेरे भाई, मार इन हरामजादों को और मार। नहीं नहीं पाशा, पाशा 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 मेरे दोस्त, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया हरामजादा। विकी मुझे वचन दे, तू मेरे भाई सागर का ख्याल रखेगा। अरे तुझे खुशी होगा पाशा, तुझे खुशी होगा। नहीं विकी, मुझे वचन दे विकी। मैं तुझे वचन देता हूँ विकी, विकी वचन देता हूँ मैं। तूने क्या किया पाशा, ये तूने क्या किया। सिंह तुम गाड़ी में बैठो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कमिश्नर, तुम तो जानते हो ना कि विशाल कपूर जुर्म के रास्ते पे कितना आगे निकल चुका है। उसने हमारे शराब खानों और जुए के अड्डों को लूटकर खंडर बना दिया है। खंडर, हराम की कमाई हराम में जाती है, और फिर उसने कौन से तुम्हारे बाप दादा की जायदाद लूटी है? तुम लोग भी तो पप्पू लंगड़े को मार के ऊपर आए हो। विशाल कपूर तुम लोगों को मार के ऊपर आ रहा है, ये तो तुम्हारे धंधे का उसूल है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? करना तो तुम्हें यह कमिश्नर, इस वर्दी का सहारा लेकर विशाल कपूर का खात्मा। और ये रही उसकी कीमत। ये क्या है? क्या है? अड़ा, अरे इतने पैसों में तो मैं वर्दी में किसी भड़वे को भी अरेस्ट नहीं करता। विशाल कपूर बहुत ऊंची चीज है। कमिश्नर, क्या सारे पैसे हमसे वसूल करेगा? क्या विशाल कपूर की मौत के बाद ऐश भी तो तुम ही दोनों करोगे? साले शबाब और कबाब में डूबे रहोगे, हमें याद भी नहीं करोगे। शरद, जा यार बैग से थोड़े और पैसे ले। विशाल कपूर की लाश कल पोस्टमार्टम के लिए पहुंच जाएगी। माँ, वो क्या है कि विशाल मेरे दिल की धड़कन है, दिल ही दिल में मैंने उसे अपना देवता माना है, मगर वो है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, उसे बुराई के रास्ते से हटाकर मेरे करीब कर दे, इतना करीब के। अपने आप को धोखा मत दो बेटी, विशाल को सपना समझकर भूल जाओ। विशाल मेरा सपना नहीं, हकीकत है। नहीं बेटी नहीं, हकीकत यह है कि तुम्हें डॉक्टर बनकर लोगों को नई जिंदगी देनी है, और विशाल ने जो रास्ता चुना है उसकी मंजिल मौत है। मौत। आज आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं डैडी? यह सच है बेटी, आज ही असलम बिल्ला नाम के गुंडे ने कमिश्नर साहब को मेरे सामने रिश्वत दी। जानती हो किस लिए? विशाल कपूर को खत्म करने के लिए। नहीं,
देवी माँ के होते हुए विशाल को कुछ नहीं हो सकता। आशा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे दिल, प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह से कोई दिलचस्पी नहीं। विशाल, तुम खामखा मेरा वक्त और अपनी जिंदगी दोनों बर्बाद कर रही हो। विशाल, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए आई हूँ। किसी असलम बिल्ला नाम के आदमी ने तुम्हें जान से मार डालने के लिए रिश्वत दी है कमिश्नर को। विशाल, तुमने मुझे अपने दिल और अपनी दुनिया से ठुकरा कर खतरों को अपना लिया। आखिर क्यों? क्या तुम इज्जत की और शराफत की जिंदगी नहीं जी सकते? तुम क्या चाहते हो कि मैं ठोकरे खाऊं, बेईमानी के रुपए कमाने वाले को यहां मजदूरी करूं, उनके तलवे चाटूं? नहीं आशा, नहीं। मेरा ईमानदार स्कूल मास्टर बाप अपनी जिंदगी को इतने सस्ते दाम में बेच चुका था कि वो मेरी बीमार मां का इलाज तक नहीं करवा सका। और जब वो मरा तो चंदा इकट्ठा करके उसकी चिता की लकड़ियां खरीदी गई। अब मैं दौलत कमाना चाहता हूं। जब दौलत आती है ना तो सुख, चैन, प्यार सब चले आते हैं। और हां, मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारे ख्यालात, हमारे जीने के तरीके अलग अलग हैं। अब तुम जा सकती हो आशा। मुझे मारने आया ना, ले मार, ले मार, ये राशि ना मेरा। अरे असलम बिल्ला मेरा नाम है, मौत से डरता नहीं मैं। मौत तो इस धंधे में एक ना एक दिन आनी है। शरद काले नहीं हूं मैं जो साला पीठ दिखाकर भाग गया। अरे वो तो तेरा नसीब जोरदार है कि आज सामान नहीं है मेरे पास, समझा? सामान गुड मॉर्निंग वीके। गुड मॉर्निंग विशाल साहब। मॉर्निंग विशाल, कैसे हो तुम? आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीके साहब। वीके, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां तुमसे मिलने आई। और पहले ये बताओ सागर कहाँ है? बार भी खाली है, कुर्सी भी खाली, यानी कि टाइगर सो चुका है। प्यार करो तो ऐसे इधर के उधर खबर ना हो, हर घर में घुसो तो ऐसे टाइगर की नजर ना हो। प्यार करो तो ऐसे इधर के उधर खबर ना हो, मगर ये टाइगर सबकी खबर रखता है। अरे क्या हुआ भाई, सोए नहीं अभी तक? ये इतनी रात को जाग रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। देख, जब तक मैं तेरी सूरत नहीं देख लेता ना, मुझको नींद नहीं आती है। भाई बहुत हो गया, चलो ना, बस करो, बस करो। देख तो घर जल्दी आ जाकर, रात को इतनी देर तक भटका मत कर। क्या? हाँ, भटकता कौन है, मैं तो मंदिर गया था। मंदिर? हाँ मंदिर गया था, वहां पूजा कर रहा था। तो पूजा कर रहा था तो ध्यान में घुस गया, तो घुस गया तो लंबा घुस गया। तो जब सभी लोग चले गए तो पुजारी ने आकर मुझसे कहा कि बालक उठ, 2:15 बज गए। मैं बोला अरे 2:15 बज गए। हाँ। तो मैं उठकर यहाँ आया, मैं चलूं? हाँ जा, सो जा। अरे ये क्या है? क्या है ये? मंदिर का घंटा भी साथ लेके आया क्या? नहीं, क्या है?
अच्छा याद आया वो क्या हुआ कि मंदिर की लाइन में बहुत लोग लगे हुए थे, तो मैं भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि मैं अगली सीढ़ी पर खड़ा हुआ था, मेरी पिछली सीढ़ी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। तो जब मैं अगली सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर गया तो वो लड़की भी पिछली सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर आ गई। तो इतने में वो लड़की मुझसे पूछती है कि मेरी बाली कहाँ है भाई साहब। तो मैं बोला, अरे मुझको क्या पूछ रहे हैं आप, मैं अगली सीढ़ी पर खड़ा हुआ तो मुझे अपनी अगली सीढ़ी दिखाई दे रही है। अब पिछली सीढ़ी पर क्या हुआ मुझको क्या मालूम, अगर आपको पूछना है तो आप अपनी पिछली सीढ़ी वाले से पूछिए कि अगली सीढ़ी पर क्या हुआ, बाली गिरी कि नहीं गिरी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं नहीं समझ रहे तो बोलिए, मैं डिटेल में समझाता हूँ। नहीं मैं समझ गया, मैं चल जा, तू जाके सो और समझिए, ये उसे दे देना। हाँ, मिलेगी तो दे डालूंगा। देखा पाचा, ये तुझसे भी दो कदम आगे निकल गया। कहता मैं मंदिर गया था। मैं जानता हूं ये कौन से मंदिर में गया था। अच्छा खेलने कूदने के दिन है सो। अफसोस तो इस बात का है पाशा, शरद काले अभी तक जिंदा है, मगर वो मरेगा पाशा मरेगा। मैं उसे मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा, इन्हीं हाथों से मारूंगा उसे।